गुरुजी जय श्रीमन्नारायण, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि एक बार पार्वती मैया शंकर भगवान से घर के लिए बोले तो सोने की लंका उन्हीं का है ना, तो बाद में वो जब पूजन करवाए तो रावण को दान में क्यों दे दिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि अवगढ़ दानी है ना, वो जो बोल दे दे देते हैं। हाँ गुरुजी, लेकिन आप बताते हैं कि ब्राह्मण यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, दान देता है, दान लेता है, वेद पढ़ता है, वेद पढ़ाता है, तो रावण तो राक्षस था, ब्राह्मण था लेकिन गुण तो राक्षसों का था, तो उनको क्यों दान दे दिया, वो तो दान के लायक नहीं था। उस समय दान के लायक था, उस समय ठीक था, धन पा की बुद्धि बिगड़ी उसकी। अच्छा। सोने की लंका, जब तक कहते ना आदमी के पास जब तक धन नहीं होता तब तक आदमी अच्छा होता। अच्छा। और धन के बाद उड़ने लगता है, तो रावण को जब तक लंका नहीं मिली थी तब तक तो ठीक था। अच्छा। बड़ा पुजारी था शंकर जी का, जब धन मिल गया तो फिर उसके पंख निकल आए। अच्छा गुरु जी, उस समय सबसे बड़ा पूजा करने की योग्य में ब्राह्मण में रावण था, रावण ही था, इसलिए शंकर जी ने रावण को ही चुना। अच्छा अच्छा गुरु जी, मेरा एक सवाल और था। मैं गोकुल गया था घूमने, यहाँ एक सप्ताह के लिए आए हैं छत्तीसगढ़ से कथा सुनने, तो गोकुल में मैं गया था जहाँ भगवान जी पैदा हुए हैं, वो भी देखा। तो जब कारागार से वसुदेव जी उनको लेके गए तो जमुना नदी में बाढ़ थी, तो बाढ़ में वो डूबने लगे, तो मेरा ये सवाल है कि उस समय क्या जमुना नदी में पुल नहीं थी? पुल नहीं थी, पहले के लोग नाव से यात्रा करते थे, इसलिए भगवान ने अपने चरणों को नीचे गिरा दिया, मतलब उससे टोकनी से, तो यमुना जी चरण छू के नीचे हो गई थी। तो गुरु जी युद्ध जब हो रहा था, कंस के जितने सैनिक जाते थे तो घोड़ा हाथी रथ फिर किसमें से जाते थे उधर लड़ने के लिए? वो उस प्रकार की उस समय कोई व्यवस्था की होगी ना। अच्छा। उस समय के उस युग के हिसाब से कोई ना कोई, आज के हिसाब का पुल तो नहीं, पर उनके हिसाब का उस जमाने का क्या वो सिस्टम रहा होगा, उस हिसाब से उन लोगों ने कोई व्यवस्था तो की होगी। अपन टीवी में देखते हैं तो उसी समय काल यवन बहुत सारे सेना लेके आए थे। हाँ, तो उनके पास थी ना बहुत सारी, पहले के जमाने में बड़ी बड़ी नाव थी, नाव ही ऐसी बना देते थे कि लकड़ी की क्यार पर हो गई। हाँ, तो वही मैं सोच रहा था कि पुल नहीं था तो किसमें से कुछ तो था, मतलब कुछ उनके पास परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं था पर टेम्परेरी ही सही, पर कुछ था उनके पास। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी, आपके चरणों में कोट-कोट प्रणाम। हम बंबई से आए हैं, आपका 2 साल से कथा सुनती थी, हमको आने का बहुत इच्छा था ही, लेकिन गुरुजी भगवान बिहारी जी ने दर्शन दे दिया, आपका दर्शन हो गया, कल हमको लेना है, गौदान करना है। ठीक है। वो कल कितना बजे? सुबह 7:30 बजे, 7 बजे गौशाला पहुंच जाइएगा। हाँ हाँ, साढ़े सात हमारे सब बच्चे, हमारा बच्चा लेके आए, हमारा लड़का लेके आए हैं, बोले चलो मम्मी गुरुजी का दर्शन करा। खुश रहिए, सब बच्चे को मेरे वो आशीर्वाद दे दो गुरुजी। सबको आशीर्वाद, खुश रहिए।